लोकसभा चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए पुलिस अधीक्षक रामपुर द्वारा 35,000 लोगों को आचार संहिता के चलते किया गया पावन भेजे गए नोटिस। आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर पुलिस एक और जहां अपराध और आपराधिक अभियान चला रही है, साथ ही साथ जिनसे शांति भंग का खतरा है उनके विरुद्ध भी पुलिस के द्वारा निर्यात में कार्यवाही की जा रही है। आपने कुछ लोगों को पावन दिया है, क्या संख्या है? और अभी तक आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर पुलिस ने एक और जहां अपराध और आपराधिक विरुद्ध अभियान चलवा रहे, साथ ही साथ जिनसे शांति भंग का खतरा है उनके विरुद्ध भी पुलिस के द्वारा निरोधात्मक कार्रवाई की जा रही है। इसी के तहत हमने लगभग 35,000 लोगों को चालानी रिपोर्ट प्रेषित करी है पावन करवाने के लिए। इसके अतिरिक्त हमने जिलाबदर, गुंडा, गैंगस्टर, NSA, 110G और इसके अतिरिक्त जो भी निरोधात्मक कार्रवाइयाँ हैं वो पुलिस के द्वारा आगामी चुनावों को शांतिपूर्वक संपन्न करवाने के लिए प्रयास किया। नहीं, इस तरह का कोई मामला नहीं है, बिल्कुल चेक होने के बाद में कार्रवाइयाँ हो रही हैं, ये मैं चेक करा लेता हूँ, लेकिन अगर शांति भंग का खतरा किसी से भी है तो निश्चित रूप से उसे पाबंद कराने में कोई भी आपत्ति किसी को नहीं होनी चाहिए। अगर कोई इस तरह का मामला है, तथ्यात्मक में कोई चीज है, आप हमारे संज्ञान में लेके आइए, हम उसको चेक। शांति भंग में सर कोई एज बाउंडेशन भी होती है? नहीं, इस तरह की कोई चीज नहीं है कि हम एज बाउंडेशन रखें, क्योंकि शांति भंग का खतरा किसी से भी हो सकता है और कभी भी हो सकता है। तो सर कितने, उसको मैं चेक करा लूंगा, अगर इस तरह की कोई बात है तो निश्चित रूप से हम उसको चेक करा के जो विधिक कार्रवाई उसके तहत। शांति भंग में कितने लोगों का तक चलान कर गया, क्या संख्या? मैं आपको बता चुका हूँ पूर्व में, लगभग 35,000 लोगों के खिलाफ हम शांति भंग का जो आरोप है उसको चेक करा रहे हैं, जो भी पाबंदी की कार्रवाई।